भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का इतिहास। प्रस्तावना। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों यूटी का इतिहास काफी पेचीदा और लंबा है, जिसकी जड़ें ब्रिटिश राज में निहित है। आजादी के बाद इन प्रदेशों की संरचना और भूमिका में कई बदलाव आए हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय क्षेत्रों को विभिन्न तरीकों से प्रशासित किया जाता था। कुछ क्षेत्र सीधे राज्यपाल और कार्यकारी परिषद द्वारा शासित थे, जबकि अन्य लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त के अधीन थे। उन क्षेत्रों को जिनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था, उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं माना जाता था। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अन्य छोटे इलाके शामिल थे। 1905 में बंगाल के विभाजन जैसी घटनाओं ने राष्ट्रवादी भावनाओं को जन्म दिया और प्रांतीय सीमाओं में बदलाव लाए। बंगाल का विभाजन बाद में वापस ले लिया गया था, लेकिन इसने इस बात को रेखांकित किया कि ब्रिटिश सरकार कभी कभी राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्रीय पुनर्गठन का सहारा लेती थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों की सीमाएं ब्रिटिश काल के अनुरूप ही रही। प्रांतीय प्रशासन का ढांचा भी काफी हद तक समान था। केंद्र शासित प्रदेशों का मूल रूप भारतीय संविधान के भाग ए, बी और सी में परिलक्षित होता है। भाग ए में बंबई और मद्रास जैसे पूर्व राज्यपाल राज्य शामिल थे। भाग बी में निर्वाचित विधायिका वाले राज्य थे, जैसे कि मैसूर और सौराष्ट्र। भाग सी के राज्य जैसे दिल्ली और हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त द्वारा नियंत्रित थे। बाद में भाग डी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के रूप में पेश किया गया, जिनमें स्थानीय विधायिका का कोई प्रावधान नहीं था। 1951 में हुए राज्यों के पुनर्गठन के बाद कुछ भाग सी और भाग डी राज्यों को सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया। इनमें से अधिकांश राज्य ब्रिटिश शासन के दौरान निर्धारित जिलों के रूप में जाने जाते थे और उन्हें पिछड़े या अविकसित माना जाता था। दिल्ली को 1911 में भारत की राजधानी बनाया गया था और इसे मुख्य आयुक्त प्रांत में बदल दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बदलाव। आने वाले वर्षों में केंद्र शासित प्रदेशों की मूल सूची में कई बदलाव आए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर ने 1970 के दशक तक पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल कर लिया। चंडीगढ़, जो पंजाब और हरियाणा के बीच हिरासत की लड़ाई में फंस गया था, को दोनों के लिए राजधानी बनाया गया और सितंबर 1966 में केंद्र सरकार के प्रशासन के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। ब्रिटिश भारत के कुछ साल बाद मुक्त हुए फ्रांसीसी और पुर्तगाली एनक्लेव को भारत में ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि फ्रांसीसी कॉलोनी चंद्रनगर 1954 में पश्चिम बंगाल राज्य में विलय हो गई थी। फ्रांस के अन्य क्षेत्रों को पौंडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के तहत लाया गया था, जिसमें कराईकल, यानम और माहे भी शामिल थे। 1961 में उनके मुक्ति के बाद गोवा, दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव के 5 पुर्तगाली क्षेत्रों को भी केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में जोड़ा गया था। गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम 1962 ने तीनों क्षेत्रों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित किया, भले ही वे एक दूसरे से लगभग 1400 किलोमीटर दूर थे। हालांकि गोवा एक समृद्ध क्षेत्र था, जल्द ही महाराष्ट्र और मैसूर के पड़ोसी राज्यों द्वारा मांग किया गया था। ये केवल 1987 में था कि संसद ने गोवा, दमन और दीव। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का इतिहास। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बदलाव कंटिन्यूड। 1987 में संसद ने गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिससे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। दमन और दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए रखा गया था। 2019 में उनके दर्जे में एक और बदलाव किया गया, जब सरकार ने इन क्षेत्रों में प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से दादरा, नगर हवेली को दमन और दीव के साथ मिलाकर एक एकल केंद्र शासित प्रदेश बनाया। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख भी अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अगस्त 2019 में पारित एक राष्ट्रपति के आदेश ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा दिया था। राज्य को भारत के साथ एकीकृत किया गया और भारतीय संघ की अन्य इकाइयों के साथ समान स्तर पर लाया गया। इसके तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आया, जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया। केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका और भविष्य। केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका काफी विविध है। कुछ विशिष्ट उदाहरणों में शामिल है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो भारत की सरकार का केंद्र है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक रणनीतिक और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण द्वीप समूह। लद्दाख एक उच्च भौगोलिक और पर्यटन के आकर्षण का केंद्र। पुदुचेरी जो फ्रांसीसी विरासत और संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण समेटे हुए है।
भविष्य में केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका संभवतः विकसित और विविध होगी। कुछ संभावित रुझानों में शामिल है आर्थिक विकास और अवसंरचना में वृद्धि, पर्यटन और सेवा क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, केंद्र सरकार के साथ प्रशासनिक वितरण और सहयोग में अधिक से अधिक स्वायत्तता। केंद्र शासित प्रदेशों का इतिहास और विकास एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है। इन क्षेत्रों की भूमिका समय के साथ विकसित हुई है और आगे भी जारी रहने की संभावना है। यह महत्वपूर्ण है कि हम विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के इतिहास और वर्तमान स्थिति को समझें ताकि हम उनके भविष्य के लिए अच्छी तरह से सूचित निर्णय ले सकें। अतिरिक्त जानकारी। यदि आप किसी विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया मुझे बताएं। मैं उन पर अधिक जानकारी प्रदान करने में प्रसन्न हूँगा। इसके अलावा यदि आपके पास भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के इतिहास के बारे में कोई अन्य प्रश्न है तो कृपया बेझिझक पूछें। मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई है।